भिवंडी के शेलार घाट और तिलक घाट को किया गया बंद। भारी बारिश और बढ़ते पानी के बहाव को देखकर सभी बप्पा की मूर्तियों को वराल देवी तालाब की ओर रवाना किया गया विसर्जन के लिए। गणपति विसर्जन के दौरान भिवंडी में हुई जोरदार बारिश, जिसके कारण पानी का बहाव तेज हो गया और विसर्जन को रोकना पड़ा। हाईवे पर लूटपाट करने वाले 11 लोगों के गिरोह को भिवंडी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के गिरेगांव चौपाटी पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बप्पा के लिए अंतिम दर्शन। मुंबई पुलिस में दिखा भारी उत्साह। बप्पा के विसर्जन में सड़कों पर नाचते दिखे पुलिस। गणपति बप्पा विसर्जन की बहुत सी वीडियो आज आपके सामने आई हो, जिसमें आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में बप्पा का विसर्जन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। इसी बीच एक छोटी सी बच्ची का वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि बच्ची बप्पा को विदा नहीं करना चाहती, कभी गले लगाकर तो कभी गोदी में बैठकर बप्पा को रोकते नजर आ रही है। मुंबई के प्रभा देवी में बस सब स्टेशन के पास लगी भीषण आग, 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। उल्लासनगर में दिन दहाड़े घर में घुस 8 डकैतों ने 490 ग्राम सोना और सीसीटीवी का डीवीआर ले हुए फरार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पनवेल में जोमैटो डिलीवरी बॉय पर कुत्ते ने किया हमला, लिफ्ट से बाहर निकलते समय सामने से कुत्ते ने किया हमला, वीडियो वायरल।